हम क्या कर रहे थे, हम ये लाइक वाला फीचर हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने थोड़ी सी बात की थी उसकी पॉपुलेशन की और डीपॉपुलेशन की बात की थी। अच्छा, लाइक वाला जो फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया था वो पॉपुलेशन के थ्रू हमने किया था। अच्छा, तो कमेंट वाला जो फीचर है वो हमारा, मैंने थ्योरी बता दी थी उसकी, लेकिन उसको मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। अच्छा, तो हमारे पास आज या तो हम उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कमेंट वाले का बना के देख लेते हैं उसका पूरा जो स्क्रीन वगैरह बैकएंड है, या तो हम फाइल अपलोड की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास वो फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड पे मूव कर जाते हैं हम। चलो, अच्छा, जो थ्योरी मैंने समझाई थी उसको उसको सुनने के बाद आई होप कि आप लोग उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई इशू उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइक की निस्बत वो आसान है वो, क्योंकि उसमें पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, उसको डीपॉपुलेशन के थ्रू आपने करना है। ठीक है, तो आई होप कि वो आप लोगों से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई ऐसा इशू उसमें नहीं आएगा। अच्छा, तो हम फाइल अपलोड की तरफ आ जाते हैं। फाइल अपलोड के लिए कौन सा कंप्यूटर? नहीं तो उसको मैं जूम करूंगा ना बच्चा, इसको मैं जूम कर दूंगा, इतना इस पर ऐसे कर दूंगा इसको मैं। नहीं, वो इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो इधर से होता है, डेस्कटॉप से होता है, वो लैपटॉप से नहीं है ऑप्शन। वेल, तो पहले तो यार हम उसको चला के देख लेते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या कुछ बन चुका है। अच्छा, बल्कि इसको चलाने से भी पहले इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, ताकि हमारा जो वो वाला फीचर है ना वो अलग हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आता है, लाइक कमेंट वाला चक्कर था, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक अदद इसकी कॉपी बना लेता हूँ, और इस कॉपी का जो है मैं नाम क्या रख देता हूँ, फाइल अपलोड। अच्छा, जिसकी मैंने कॉपी बना ली, इसको मैं कह देता हूँ 11.file upload। ठीक है, 11.file upload कर दिया मैंने उसको। अच्छा, फाइल अपलोड की जो कॉपी बनाने के बाद इसको मैं पहले तो कमेंट कर देता हूँ। सही है, और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन करके चला कर देख लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने ये लास्ट जो हम कर रहे थे उसी की कॉपी बनाई है। तो यार जूम कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इसको रन कर रहा हूँ, कोई इसमें और हम स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे। ये क्या हो रहा है, इसको ये ब्रेक क्यों हो रहा है? आई थिंक इसको मुझे रीलोड कर देना चाहिए। हाँ, ये ब्रेक होना शुरू हो गया था। टर्मिनल, और टर्मिनल पे मैं सीडी करके जाता हूँ, फाइव टैब एंटर, सीडी टैब 11 टैब एंटर, और अभी मैं किस पे आ चुका हूँ, मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ जो मेरा फोल्डर है, जहाँ पे मेरा पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, जहाँ पे मेरा सर्वर डॉट MJS की फाइल है, मैं उस जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे NPM रन डेव कर दूंगा, जिससे मेरा सर्वर चल जाएगा, और एक नया टर्मिनल खोल के मैं क्या करूँगा, CD वेब में जाऊँगा और NPM स्टार्ट कर दूंगा, जिससे मेरा फ्रंट एंड भी चल जाएगा। अच्छा, तो अभी तक हम देख लेते हैं जो लास्ट हमने लाइक और कमेंट वाली क्लास तक जो बना लिया था उसको हम देख लेते हैं कि वहां पर अभी क्या मौजूद है। तो ये जी हमारी लॉगिन की स्क्रीन है। अच्छा, ये इसमें जो लाइन लगी हुई है, ऑब्वियसली इसको रिमूव करना था हमें, लेकिन वो चलो लगी हुई है, ठीक है, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट API दिख रही है। अच्छा, लॉगिन कर लेता हूँ मैं जी, abc@abc.com का एक अकाउंट मेरे पास पहले से बना हुआ था, उसको मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, जो फाइल अपलोड का जो हम काम करते हैं ना,
ये हमारे पास पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी, ये दो चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और इसमें कुछ भी लिखता हूँ मैं, और कुछ भी लिख के क्या करता हूँ, जब मैं पोस्ट का बटन दबाता हूँ तो वो नीचे क्या हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, और वो रिफ़्रेश करने पे मुझे दिख जाता है। यार ये क्या चक्कर है, इसमें सॉल्ट नहीं लगाया था ना हमने? सॉल्ट लगा लेते हैं अभी हम, कोई मसला नहीं है। ये इस पोस्ट में सॉल्ट लगा हुआ था जिसमें रीसेंट पोस्ट सबसे टॉप पे आनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ जो है वो हमने जो लास्ट जो भी एक्टिविटीज़ की थी उसमें शायद वो सॉल्ट हमारा मिस हो गया था, जिसकी वजह से ये टॉप पे नहीं आ रहा बल्कि ये बॉटम पे आ रहा है, ठीक है, या नीचे पे आ रहा है ये। वेल, तो हमने क्या करना है अब, ये पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी के साथ एक और भी चीज़ ऐड करनी है, जिसके अंदर एक यूज़र क्या कर सके, एक इमेज अपलोड कर सके, एक फ़ोटो अपलोड कर सके, ताकि हमारा जो ये पोस्ट है, ठीक है, जिसमें टाइटल आ रहा है, जिसमें बंदे का नाम आ रहा है, जिसमें उसकी बॉडी आ रही है पोस्ट की, एडिट का, डिलीट का और लाइक का बटन आ रहा है, इसके साथ साथ क्या शो हो, एक फ़ोटो भी यहाँ पर शो हो जाए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगेन इसके अंदर CSS वगैरह नहीं लगाई है हमने टाइम की कमी की वजह से, तो आप लोग जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पास तो आप CSS लगा के प्रॉपर, हमने रिएक्ट की जो पहली क्लास की थी उसी में हमने फेसबुक का एक जो UI थी वो बना लिया था, प्लेन CSS के साथ आपने वो बनाया था, तो एटलीस्ट बेहतर तो ये होगा कि टेलविंड को आप इस्तेमाल करें या कोई CSS का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें, जैसे कि बूटस्ट्रैप या टेलविंड या मटेरियल UI, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, वो अगर आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट प्लेन CSS लगा के उसको आप प्रेजेंटेबल ज़रूर बनाएं, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस तरह का आपने बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको तो समझ आ रही है, क्योंकि ये आपको, मैं शुरू से ये ऐप लेके चल रहा हूँ आपके साथ में, तो आपको तो पता लग रहा है कि इसके अंदर इंजन में बहुत सारा अंदर गियर गुच्छे लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन एक आम बंदा जब देखता है ना तो उसकी नज़र में क्या होता है, ये बोलता है यार ये क्या है, HTML वाला तो इससे अच्छा करता है बच्चा, एक HTML वाला बच्चा इससे अच्छी UI बनाता है, तो उसको ये समझ नहीं होती, वो सेठ को भी नहीं होती, इवन जो सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा हुआ सेठ होता है ना, उसको भी आप इस तरह का दिखाएंगे ना, वो कहेगा यार ये क्या है, उसको नहीं पता होता कि अंदर रिएक्ट है क्या है, वो दिमाग से खाली होता है, सही है। 40 साल के बाद ना बंदे की जेब में पैसा होता है लेकिन दिमाग उसका खाली हो चुका होता है, तो 40 साल से पहले दिमाग उसका बहुत होता है लेकिन जेब में कुछ नहीं होता, तो ये एक फैक्ट है। तो जिसको भी आप सेठ को अगर दिखा रहे हैं ना, तो ऐसा आपने कभी भी नहीं दिखाना उसको, वो इम्प्रेस नहीं होगा इससे। और जो वीडियोस भी तुम लोग बना के डालते हो ना लिंक्डइन के ऊपर, यानी जो असाइनमेंट्स बनाते हो उसकी जो वीडियो जब डालते हो, तो उसमें कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने ये गलती की हुई थी कि पहले कोड दिखा देते थे, पहले कोड नहीं दिखाना आपने, आपने पहले दिखानी है UI और जो फ्रंट एंड, जो एंड रिजल्ट है आपका, जैसे किसी ने कैलकुलेटर बनाया, कन्वर्टर बनाया, सोशल पोस्टिंग ऐप बनाई है, कोई गेम बनाया है, तो पहले ही 3 सेकंड के अंदर या तो बंदे को आप रोक लेते हो या तो बंदा भाग जाता है, तो पहले 3 सेकंड में आपने कोई ऐसी चीज़ दिखानी है ना कि वो रुक जाए, वंस वो रुक गया फिर आपको जो मर्ज़ी दिखाते रहो उसको आप, ठीक है। और पॉज नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में कहीं पे भी। उसकी अगर एग्जांपल देखना है तो अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक बनाना शुरू की है, बाई द वे मुझे आप लोगों की भी, कुछ लोगों की टिकटॉक बनानी है जिनकी जॉब्स लग चुकी हैं लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि जो 2-4 मैंने वीडियोज अभी डाली हैं उसमें जो वीडियो चल रही होती है ना उसमें 1 सेकंड का भी पॉज नहीं होता कहीं, 1-1 सेकंड के पॉज को ना जूम इन करके कट करके हटाना पड़ता है, 1 सेकंड का भी पॉज बर्दाश्त नहीं करती आवाम आज के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, ठीक है। तो 1 सेकंड का भी आपकी वीडियो में पॉज नहीं होना चाहिए, या तो पीछे म्यूज़िक लगा हो, जो अब्दुल अहद बड़ा अच्छा कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि वो आप स्लो आपने किया है लेकिन जब उसको आप अपलोड करें तो स्पीड बढ़ा के अपलोड करें, और पीछे म्यूज़िक लगा हो, या तो अगर आप बोल रहे हैं अगर, तो आपके बोलने में 1 सेकंड का भी पॉज नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड का भी पॉज होगा बंदा भाग जाएगा, सही है। और रीच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर रीच ज़्यादा आएगी तो वो रेलेवेंट बंदे तक पहुँचेगी वो चीज़, अगर रीच आपकी ज़्यादा नहीं आती, 2-4 लोग देखते हैं वो भाग जाते हैं अगर, तो उसको एल्गोरिथम को लगता है कि ऐसी ही फारिग कोई बात लिखी हुई इसमें ना, वो उसको उसको समझता है कि कोई वैल्यूएबल बात नहीं हुई हुई इसमें, लोग सुनना नहीं चाह रहे उसको, तो वो क्या होता है कि वो फिर बाकी लोगों को दिखती नहीं है वो, लिहाजा वो रेलेवेंट बंदे तक पहुँच ही नहीं पाती वो पोस्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ना रीच बढ़ जाएगी। अच्छा, तो पहले तो हम आके यार ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि ये सॉल्ट का क्या चक्कर हो गया। सॉल्ट तो मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने लगाया हुआ था उस पर, सही है। सॉल्ट को लगा के फिर हम मूव कर जाते हैं अपने एक्चुअल वो फाइल अपलोड वाले फीचर की तरफ ना। राउट्स और फीड राउट, एक्चुअली मुझे इसको यहाँ मूव करना था लेकिन मैंने मूव नहीं किया, मैंने इसको पोस्ट में ही बनाया हुआ है। ये मेरा फीड है ना। अच्छा, इसमें एक्चुअली पुराना जो हमारे पुरानी क्वेरी लगी हुई थी उसमें सॉर्ट था, अभी भेज देता हूँ। नए वाले में ना मैंने सॉर्ट नहीं लगाया, तो लगा देते हैं। $
सॉर्ट नहीं होगा। हाँ सॉर्ट आ रहा है ना। आया कि उसको मुझे लिमिट के साथ लगाना चाहिए या अलग से लगाना चाहिए? इससे पूछ लेते हैं ना, इससे चल के पूछ लेते हैं। ठीक है ओपन एआई से चल के पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसको मुझे अलग से लगाना चाहिए। इन मोंगो डीबी क्या था एग्रीगेशन? गिव मी एग्जाम्पल कोड फॉर सॉर्ट। सही है, अलग से लगेगा ये। सॉर्ट एंड लिमिट एंड क्या है स्किप? मैंने बोला भाई सॉर्ट लिमिट और स्किप टुगेदर कैसे लगेगा? अच्छा ये तीनों कह रहा है कि अलग अलग ही लगेगा। सही है, तो ऐसे में पता लग गया। आ जाओ उसको अलग अलग लगा लेते हैं। अच्छा मुझे ब्राउज़र चाहिए इस तरफ और कोड चाहिए इस तरफ। अच्छा इसको पहले सॉर्ट को लगाया उसने, उसके बाद बाकी चीज़ों को लगाया है, तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं। अच्छा सॉर्ट के अगेंस्ट में क्या डालूंगा? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में मुझे सॉर्ट किससे करना है? सॉर्ट मैंने करना है अंडर स्कोर आई डी से, तो अंडर स्कोर आई डी को मैं कर देता हूँ 1। ओ सॉरी माइनस 1 ना, माइनस 1, क्योंकि मुझे सबसे लास्ट वाला जो है उसको टॉप पे लाना है, माइनस 1। तो अब मैं इसको अगर चला के देखता हूँ तो मुझे जो है ना वो रिज़ल्ट सही मिल जाना चाहिए। सही है, अब वो टॉप पे आने लग गया। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में भी और उससे पिछली क्लास में भी हमने ये देखा था कि हम जो है ना कोडिंग के दौरान जो पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके अपना सर मारते थे ना, और सर ज़ख्मी हो जाता था हमारा से, और टाइम भी ज़ाया होता था। तो उसका बड़ा अच्छा हल हमारे पास ना चैट जीपीटी के ज़रिए निकल आया है। तो लिहाजा अब क्या होता है, अब हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके ना सर नहीं मारना होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो एग्जाम्पल होती है वो होती तो एक सर्टन लेवल तक है, लेकिन अब मेरी स्पेसिफिक केस में वो किस तरह कोड लिखा जाएगा, ये चैट जीपीटी बड़ी अच्छे तरीके से इसमें हेल्प कर रहा है ना। और इवन अभी चैट जीपीटी में वो मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी आ गया, यानी लाइव डेटा। हाँ तो पहले तो ये होता था, अच्छा जी वो MongoDB जो लिखा है वो तो चलो 2021 से पहले का लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो नई जो लाइब्रेरीज आएंगी तो उसका क्या, तो उसका भी मसला हल हो गया। तो उसको लाइव डेटा का इंटरनेट का एक्सेस अब है, ठीक है, उसको नहीं तो बार्ड को नहीं तो किसी और को, ठीक है, LLM को पता नहीं। अभी तो और भी 10,000 कंपनीज दौड़ में लग गई हैं, तो अभी चैट GPT जैसे हज़ारों प्रोडक्ट आपको और देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया, डेवलपर का बड़ा टाइम बचाता है। अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि ये डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा, तो भाई जॉब अब कोई नहीं खाएगा, काम तेज़ हो जाएगा। जहाँ आप सर मारते थे दीवार से, अच्छा अभी भी अगर कोई दीवार से अपना सर मारता रहेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई। थोड़े दिनों में क्या होगा भाई, कंपनी वाले उसको बोलेंगे भाई तू टाइम बहुत लगाता है, ये बच्चा कल का बच्चा है, तेरे से ज़्यादा स्पीड है इसकी, तो लिहाजा इसको रखूँगा मैं, तो इस तरह से जॉब भी खाएगा। लेकिन आप अपडेट अगर हो जाते हैं, है ना, पहले सिलाई मशीन जब तक नहीं आई थी तो कपड़ा सीने में हाथ से ही सीते होंगे, जाहिर है किस तरह सीते होंगे। तो एक कपड़े को अगर हाथ से सीना शुरू करे तो मेरे हिसाब से 12 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे उसको, लेकिन सिलाई मशीन से जो एक शर्ट ऐसी है वो 20 मिनट से भी कम वक्त में सिल जाते हैं, है ना। या पूरी शलवार कमीज़ की अगर मैं बात करूँ तो शायद 2 घंटे लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, यानी कटिंग वटिंग हर चीज़ लगा के अगर ट्रेंड टेलर है जो डेली काम कर रहा है तो वो 2 घंटे में एक शलवार कमीज़ आराम से तैयार कर लेगा, कटिंग वटिंग सारी चीज़ें करके, ठीक है, अगर वो आराम से भी करे तो। और इसी तरीके से आप उससे भी पीछे चले जाएँ जो कपड़ा जो बुना जाता है, जो ये हम इस वक्त जो कपड़े पहनते हैं तमाम लोग, हम बुने हुए कपड़े पहनते हैं ना, तो ये बुने हुए कपड़े तो बहुत वो होता था, यानी कि मुश्किल चीज़ होती थी इसको बुनना कपड़े को। हाँ तो वो हाथ से, आपने वो देखा होगा ना आटे का जो बोरा होता था पुराने ज़माने में, जिसको जूट से सिला हुआ होता था, वो ब्राउन कलर का जो बोरा होता था, तो वो उस तरह के कपड़े होते थे एक्चुअली, है ना, वो हाथ से बुने हुए कपड़े होते थे। तो हाथ से उसको बुनने में तो ज़िंदगी गुजर, ऐसा कपड़ा अगर जो हमने इस वक्त पहना हुआ है हम सब लोगों ने, ऐसे कपड़े को अगर हाथ से को बुनने बैठ जाए ना तो महीना लगेगा मेरे हिसाब से तो, है ना, क्योंकि इतने बारीक बारीक धागे हैं उसमें इतने। लेकिन मशीन से ही है वो, दिन में पता नहीं कितने हज़ार मीटर पर डे के हिसाब से वो प्रोडक्शन होती है,
मैंने एक ज़माने में टेक्सटाइल मिल में भी काम किया है, मतलब स्कूल के ज़माने में। तो वो जो हमारे जिस मशीन पे मैं था वो पता नहीं 15-20 मीटर पर मिनट निकालती थी उसको, कपड़े को बुन के। तो 15-20 मीटर कपड़ा पर मिनट प्रोड्यूस करना, ये मशीनों की वजह से हुआ है। तो आज चैट जीपीटी की जो हैसियत है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री के अंदर, वो कपड़ा बुनने वाली मशीन की हैसियत है। जो पहले कपड़ा 10 मीटर 15 मीटर जो मिनट में बुन रहा है ना, पहले वो महीनों में बुनता अगर वो मशीन नहीं होती तो। लिहाजा चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, आप अपने आप को इससे फेमिलियर करें, अपने आप को इसके साथ आप आदत डालें, ठीक है। और एक वो कोर्स एंड्रयू एनजी का जो कोर्स है, जो सबसे फर्स्ट कोर्स उसने लॉन्च किया था, उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 3-4 उसके लेक्चर्स हैं, 20-20 मिनट के हैं। तो वो लेक्चर्स जो है ना बार बार देखें, वो बार बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चक्कर चल क्या आ रहा है। वो 3-4 लेक्चर जो है ना उसके, जो प्रॉम्प्ट वाले लेक्चर्स हैं कि वो प्रॉम्प्ट बनाना कैसे है, वो ट्रिपल बैक टिक के दरमियान में करके वो बताता है। तो उस लेक्चर को आप डाउनलोड कर लें मोबाइल में, कहीं पे भी लाइन में लगे हुए हों, डॉक्टर की क्लिनिक में किसी जगह पे बस के कतार में बैठे हुए हों, कहीं पे वेट कर रहे हों, खाना ऑर्डर करने के बाद होटल में बैठे हुए हों, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हों, तो आपने वो वीडियो बार बार देखनी है। वो 3-4 जो वीडियो है ना एंड्रयू एनजी की, वो एंड्रयू एनजी है ना यार, एंड्रयू एनजी का जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, ये आ गया ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये इसका सबसे फर्स्ट कोर्स इसने लॉन्च किया था। इसके बाद तो पता नहीं 10-12 इसने लॉन्च कर दिए। ये लड़की इसके अंदर साथ है, इसके बाकी कोर्सेज में दूसरे बंदे हैं लेकिन इस कोर्स में ये लड़की इसके साथ है। इसका मैं जब ही तो बता रहा हूँ, इसके अंदर 3-4 लेक्चर हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हैं स्पेसिफिक, सही है। तो वो वाले लेक्चर जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये एंटर कहाँ से होगा कोर्स में, ये लर्न फॉर फ्री से होगा शायद। ये यार क्या कर रहा है, सब मांग लेगा ये आज की जिंदगी में, सब मांग लेगा। कंटिन्यू विथ योर कोर्स। हाँ ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, ये वाला जो है ना इसके, ये जो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि इसमें से कौन सा वाला था वो लेक्चर, क्योंकि मैंने भी जो देखा है ना उसको वो डाउनलोडेड वर्जन से देखा है। इसमें देखो वो टिक लगा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यही करता हूँ कि जो मैं अपने मोबाइल में ना डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर मैं जब कहीं वेट कर रहा होता हूँ, कहीं बैठा हुआ होता हूँ ना, तो ये हैंड फ्री लगा के ना कान में, ये हैंड फ्री देखो मैं जेब में रखी होती है इसीलिए मैंने हमेशा इसको कान में लगाया ऐसे, और बस खामोशी से जो है वो आप देख रहे हैं वो वीडियो लेक्चर, तो वो बड़ा आसान होता है, सही है। तो हैंड फ्री एक रखो अपने पास और मोबाइल में ये डाल लो पूरा का पूरा कोर्स ये वाला, और इसको देखते रहो। अच्छा तो वेल, हमने क्या कर लिया, हमने इसमें सॉर्ट लगा लिया, जो हमारा मिस था, मिसिंग पजल था हमारा, वो हमने यहाँ लगा लिया। अच्छा उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जो जो पोस्ट करने का जो फॉर्म है मेरा ये वाला, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मुझे एक फील्ड ऐड करनी है जिसमें मैं फाइल सेलेक्ट कर सकूँ। अच्छा वैसे तो आमतौर पे जो सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि इमेज सेलेक्ट करने का जो होता है वो इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता कि लिखा हुआ और आगे ब्राउज का बटन आ रहा और मैं सेलेक्ट करूं और वो चला जाए। उसमें तो बकायदा जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो क्रॉपर आ जाता है और वो क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाता है और एक सर्टेन उसमें करके और वो फिर अपलोड करते हैं तो वो लोडर घुमाता है, वो घुमाता है, वो सारा जो फैंसी चीज़ें हैं ना वो अभी हम इस वक्त वो नहीं देख रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक फ़ाइल को उठा के भेजा कैसे जाता है। वो सारी फैंसी चीज़ें जो हैं वो लाइब्रेरी लेवल पर मौजूद हैं, वो आप बाद में खुद से देख लीजिएगा किस तरह होता है। तो वेल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरी github.com पर, अपना नाम लिख देता हूँ मैं गूगल पे जाके, और ये तीसरे नंबर पे ये मेरी गिटहब आ गई। अच्छा भाई तो हम क्या कर रहे थे, हाँ हम ये कर रहे थे कि ज़रा वो फाइल अपलोड वाला देख रहे थे। ये मेरे गिटहब की रिपॉजिटरी में चला गया मैं, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया फाइल, ये रहा अपलोड फाइल नॉट जेएस, इस रिपॉजिटरी के अंदर चला गया मैं। अच्छा इस रिपॉजिटरी के अंदर जो है ना एक छोटा सा सैम्पल ऐप है ये एक्चुअली, जिसमें फाइल अपलोड करना बताया गया है। अच्छा जिसमें एक है क्लाइंट और एक है सर्वर, क्योंकि फाइल जब भी अपलोड होगी तो क्लाइंट से अपलोड होगी और सर्वर पे पहुंच के फिर उसका कुछ ना कुछ वहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट देखते हैं। अच्छा क्लाइंट इसका एक तो नॉट जेएस वाला है, एक है एचटीएमएल वाला। तो
तो हमारा जो क्लाइंट होगा वो HTML वाला होगा, सही है ना, क्योंकि हम React की ऐप से क्योंकि अपलोड कर रहे हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में फिर ये वाला, तो हम वो नहीं देख रहे अभी, हम HTML की फ़ाइल देखते हैं। तो HTML की फ़ाइल के ऊपर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक अदद फॉर्म बना हुआ है, सही है, एक अदद फॉर्म बना के और उस पर इनपुट लगा हुआ है जिसकी टाइप है फ़ाइल, ठीक है। जब फाइल टाइप का जो इनपुट होता है वो जब लगता है तो क्या बनवाते हैं, ब्राउज का एक बटन बना हुआ आ जाता है एक्चुअली। अच्छा, और उसके अपलोड का जो फंक्शन है वो उस फॉर्म के सबमिट के ऊपर ऑब्वियसली चल रहा है, और इससे क्या होता है, वो हम इनपुट उठाते हैं और इनपुट उठाने के बाद उसका जो फाइल्स और ज़ीरो करते हैं ना जो, तो उससे मुझे क्या हो जाता है कि वो फाइल का बाइनरी फॉर्म मुझे मिल जाता है, ठीक है, उस फाइल का बाइनरी फॉर्म मुझे मिल जाता है। अच्छा, और उस बाइनरी फॉर्म से मैं क्या करता हूँ, एक URL भी जनरेट कर लेता हूँ। ये URL क्या चीज़ है, ये Base64 है। ये Base64 जो मैं जनरेट कर रहा हूँ ये मैं सर्वर पे भेजने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं Base64 जो जनरेट कर रहा हूँ ये फ्रंट एंड पे उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कि फौरी तौर पे मुझे उसका प्रीव्यू भी दिखाना है ना, जहाँ पे अपलोड सेलेक्ट किया बंदे ने, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक कम्प्लीट एग्जाम्पल, और इस URL को, इस Base64 को मैं क्या करता हूँ, एक इनर HTML करके उसको फौरी तौर पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये भेजने वाला जो प्रोसेस है ना वो यहाँ से आगे से शुरू है। अच्छा, क्या होता है यहाँ पे, मैं बनाता हूँ न्यू फॉर्म डेटा। अच्छा, अभी तक जो हम रिक्वेस्टें भेजते आए हैं फ्रंट एंड से वो हम भेजते थे जेसन डेटा। फ्रंट एंड से जब हम रिक्वेस्ट भेजते थे तो अभी तक जो रिक्वेस्ट हम भेजते आए हैं दैट इज़ जेसन रिक्वेस्ट ना, उसके लिए हम क्या करते हैं exios.post या exios.get करते हैं और उसके बॉडी में जो हम जेसन लिखते हैं और वो चला जाता है। अच्छा, लेकिन वो जेसन रिक्वेस्ट के अंदर तो सिर्फ जाता है जो जेसन के अंदर जो जो चीज़ें सपोर्टेड है वो जाती हैं, राइट। जेसन में क्या क्या चीज़ सपोर्टेड है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, एरे, एक और ऑब्जेक्ट उसके अंदर, तो ये चीज़ें उसके अंदर सपोर्टेड हैं जेसन के अंदर। जेसन के अंदर फाइल सपोर्टेड नहीं है, सही है। तो जेसन के अंदर मैं फाइल, अच्छा, जेसन में फाइल भेज सकता हूँ मैं, अगर उसको Base64 कर दूँ मैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, तो फिर मैं उसको जेसन में भेज सकता हूँ। लेकिन क्या ही अच्छा आइडिया होगा, अगर अच्छा आइडिया होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। साइज़ डबल हो जाता है Base64 में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी फाइल को, तो वो क्या होता है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो छोटी सी फाइल होती है वो बिला वजह बड़ी हो जाती है। फिर दूसरा ये कि Base64 जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो छोटी मोटी अगर फाइल है ना, 200-300-400 KB की फाइल है, तो वो कन्वर्ट हो भी जाता है। अगर आपने 10 GB की फाइल को किया ना Base64, तो आपका क्रैश हो जाएगा ऐप पूरी पूरी, सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास रैम नहीं एलोकेटेड होता फ्रंट एंड पे कि मैं इतना बड़ा स्ट्रिंग बना सकूं, ठीक है। अगर कोई 10 GB की फाइल है, मैंने उसको Base64 में कन्वर्ट किया, तो वहीं पे वो ब्रेक हो जाएगा कोड मेरा, ठीक है। जो ये वाला भी इवन काम है ना, जो मैं URL यहीं पे बना रहा हूं डिस्प्ले करवाने के लिए, ये वाला काम, तो ये काम भी मैं जब ही करवा सकता हूं जब मेरे पास फाइल इमेज हो या छोटी फाइल हो, 300-400 KB, 500 KB, चलो 2-4 MB तक भी चलेगा, समझ आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी फाइल होगी तो वो एकदम स्टक हो जाएगा मेरा फ्रंट एंड पूरा, ये करके देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, और फाइल का साइज़ ना सिर्फ बढ़ जाएगा, रैम की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, इंटरनेट अगर स्लो होगा तो फाइल अपलोड होने में बिला वजह एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जो कि किसी वो नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो सबसे क्लासिक अप्रोच है ना फाइल को फ्रंट एंड से भेजने का, यानी फ्रंट एंड से सर्वर पे अपलोड करने का जो सबसे क्लासिक तरीका है, वो है फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट। अच्छा, ये फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट क्या चीज़ है, फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट वो चीज़ है, आपने जब HTML की क्लास में फॉर्म पहली दफ़ा पढ़ा था तो उसके अंदर आपको याद है एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता था और एक होता था उसमें मेथड, एक्शन और मेथड। तो एक्शन में मैं एक URL लगाता था और मेथड में लगाता था गेट या पोस्ट। तो जैसे ही वो फॉर्म फिल करके मैं सबमिट का बटन दबाता था तो वो एक्शन का जो URL है ना उस पर ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट चली जाती थी, ऑटोमेटिक उस पर रिक्वेस्ट चली जाती थी और वो पूरा वो फॉर्म के अंदर जो जो फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड वो साथ लेके जाता था अपने, ठीक है। तो ये वो वाली रिक्वेस्ट है फॉर्म डेटा। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने फॉर्म पे, क्योंकि अब फाइल भेजने के लिए मुझे जो रिक्वेस्ट करनी है ना वो फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा, फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट के अलावा भी एक दो तरीके हैं, लेकिन सबसे क्लासिक, सबसे स्टेबल और सबसे पॉपुलर अप्रोच जो है फाइल को भेजने के लिए, अपलोड करने के लिए, वो है फॉर्म डेटा। अच्छा, तो फॉर्म डेटा को मैं HTML के भी एट्रीब्यूट लगा दूंगा ना, एक्शन और मेथड, तो वो फॉर्म सबमिट करते ही वो चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसको जावास्क्रिप्ट से भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट उसके रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करना चाहता। एक तो ये है कि वो जब वो अगर मैं उसको फॉर्म पे लगाऊंगा ना और सबमिट जैसे ही दबाऊंगा तो पूरा पेज रिफ्रेश करेगा बिला वजह, जो कि मैं नहीं चाहता,
ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये रीज़न है कि अगर फॉर्म सबमिट का बटन दबाया मैंने, एक तो HTML5 की वैलिडेशन है, लेकिन HTML5 की वैलिडेशन के अलावा अगर कोई मैं वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इस केस में मैं फाइल का साइज़ चेक करना चाह रहा हूँ, फाइल का एक्सटेंशन चेक करना चाह रहा हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, तो वो सबमिट का बटन प्रेस होने के बाद वो चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो अगर मैं वो एट्रीब्यूट से कर दूंगा ना, तो वो फिर ये काम नहीं कर सकता उसमें, फिर वो डायरेक्ट चला जाता है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं ऑन सबमिट का फंक्शन हिट करता हूँ। ऑन सबमिट के फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू फॉर्म डेटा करके एक फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा न्यू फॉर्म डेटा, अच्छा मैंने कहा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड माई फाइल, और उसके अंदर फाइल भेजती हूँ। अच्छा याद रखें, फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट के अंदर दो ही चीज़ें भेजी जा सकती हैं, नंबर एक स्ट्रिंग, नंबर दो फाइल। कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर भेजना पॉसिबल नहीं है, जेसन इसमें भेजना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसमें जेसन भेजना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रिंगिफाई करता हूँ, और फिर स्ट्रिंग के तौर पे उसको भेजता हूँ, फिर वहाँ जाके पार्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस हमने क्या सीखा कि फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट के अंदर नंबर एक फाइल भेजी जा सकती है, नंबर दो की वैल्यू पेयर, लेकिन दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। यानी जेसन में भी की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन क्या होता है, की स्ट्रिंग होती है लेकिन वैल्यू में नंबर बूलियन वगैरह हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो की वैल्यू पेयर है ना, उसमें की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो आया कि आप नंबर लिखें या कुछ भी लिखें, वो उसको स्ट्रिंग के तौर पर ही ट्रीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं कहता हूँ फॉर्म डेटा डॉट अपेंड की और वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए, आप मैंने की लिखा है और वैल्यू के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके डेटा को डाला है, ठीक है। यहाँ पे की लिखा है स्ट्रिंग, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे की लिखा है स्ट्रिंग और वैल्यू में, वैल्यू के अंदर या तो फाइल या तो स्ट्रिंग, दो चीज़ उसको एक्सेप्टेबल होती है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे न्यू फॉर्म डेटा करके अपेंड 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 करके इस पूरे रिक्वेस्ट को तैयार कर लिया, इस पूरे रिक्वेस्ट को पॉपुलेट कर लिया, रेडी टू सेंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं एक्सियोस का ही लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता हूँ। एक्सियोस की लाइब्रेरी में क्या, तो मेथड पोस्ट होगा, URL होगा, ये आप लोग जानते हैं सब किस तरह हो रहा है। डेटा के अंदर पहले जो बॉडी लिखता था ना मैं जेसन में, उसकी जगह फॉर्म डेटा लिखूंगा अपना, और साथ में हेडर में ये बात भी मेंशन करूंगा, क्योंकि एक्सियोस से जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो हेडर में बाय डिफॉल्ट ये मेंशन होता है कि जेसन रिक्वेस्ट है, तो इसलिए मैं लगानी नहीं पड़ती। हमने हेडर तो नहीं लगाया ना अभी तक जितनी भी रिक्वेस्टें भेजी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जेसन होता है लिखा हुआ उसमें। तो अब क्योंकि मैं भेज रहा हूँ ये फॉर्म डेटा, तो मुझे हेडर में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि इस रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उसका कॉन्टेंट टाइप क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, ठीक है। मल्टी पार्ट का मतलब है कि वो मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़ी फाइल आप भेजेंगे ना, तो उसको ये मल्टीपल पार्ट्स में भेज रहा होता है यहाँ से ना, और फिर वहाँ जाके उसको गैदर करता है, वो लाइब्रेरी लेवल पे हो रहा होता है, उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई 10 GB की फाइल यहाँ से आपने भेज दी, तो ये उसको ले जाएगा, लेकिन कैसे लेके जाएगा, चंक्स में लेके जाएगा। अगर आपका 100 MB का इंटरनेट है, तो वो क्या करेगा, 100 MB का चंक बनाएगा, एक को भेजेगा, फिर दूसरे को भेजेगा, फिर तीसरे को भेजेगा, ऐसे करके भेजेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी पार्ट, या इसको बाइट एरे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी पार्ट करके इसको भेज रहा होता है, अच्छा, और देन करके मुझे वो यहाँ पे रिक्वेस्ट। तो इतना काम अगर मैंने कर लिया, तो मेरा फ्रंट एंड का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट एंड पे इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है, अब बैक एंड के ऊपर क्या होगा वो हमें देखना है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो फ्रंट एंड का काम यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। 9 बज गए हैं वैसे, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम शायद लगेगा इसमें, तो है ना सब लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, कहाँ है यार मेरा फ्रंट एंड, कंपोनेंट्स और पेजेस में एक्चुअली था मेरे ना, पेजेस और कौन सा था, होम, ठीक है। ये है मेरा वो पेज जिसके ऊपर क्या होता है, पोस्ट नज़र आती है मेरे पास ना, ठीक है। यहाँ से बंदा पोस्ट करता भी है और यहाँ पे पोस्ट को देखता भी है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हमारे पास, तो ये हमारा जहाँ से JSX शुरू है ना, तो ये है मेरा फॉर्म, यहाँ से शुरू है मेरा फॉर्म और यहाँ पे ख़त्म है। इस फॉर्म के अंदर दो इनपुट हैं, एक तो टेक्स्ट इनपुट है, दूसरा जो टेक्स्ट एरिया इनपुट है, और उसके बाद डायरेक्ट सबमिट का बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबमिट के बटन से पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर एक अदद इनपुट और लगा देता हूँ, सही है। सबमिट के बटन से पहले क्या कर देता हूँ, मैं एक इनपुट और लगा देता हूँ, सजेशन नहीं दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं, सजेशन नहीं दे रहा तो कोई मसला नहीं, हम हाथ से लिख लेंगे, ये क्या सीन है, हम हाथ से लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, पोस्ट बॉडी इनपुट, पोस्ट फाइल इनपुट,
ठीक है, पोस्ट फाइल इनपुट मैंने लिख दिया कि भाई फोटो और इनपुट मैंने फाइल कर दिया। नेम इसका मैं कह देता हूँ कि यार नेम इसका मैं यही कर देता हूँ जो ये नाम है इसका, सही है। और इसमें एक आदत आईडी भी दे देता हूँ मैं, क्योंकि आईडी से इसका जो वो आईडी से इसका लेबल पता लग रहा है, तो मैंने इसलिए इसको साथ साथ आईडी भी दे दी, सही है। आते हैं जी फ्रंट एंड पे, हम देख लेते हैं। मुझे कोड चाहिए मुझे इस तरफ, ठीक है, कोड से उस तरफ मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट और इस तरफ चाहिए रिजल्ट, ठीक है। दरमियान में कोड, इधर डॉक्यूमेंट और इधर रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट में मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ अब जैसे ही, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखने लग जाता है, टाइटल के साथ बॉडी और साथ में एक फ़ोटो। फ़ोटो के ऊपर जब मैं चूज़ फाइल का बटन दबाता हूँ, तो चूज़ फाइल का बटन दबाते ही मेरे पास ये कंप्यूटर में फ़ाइल सेलेक्ट करने का एक जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये बिल्ट इन है इसका, क्या कहते हैं उसको, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका। फाइल अपलोड का जो बटन होता है, फाइल इनपुट का जो बटन होता है, उसका ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें मेरे पास बहुत सारी तरह की फाइल्स आ रही हैं, JPG, SVG, ठीक है, PKG, ZIP, ये हर तरह की फाइल आ रही है, और ये सारी फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे दे रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इमेजेस सेलेक्ट हों, यहाँ पर ये वाली सारी फाइल सेलेक्ट ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे एक एक्सेप्ट करके जो है एट्रीब्यूट होता है फाइल इनपुट के अंदर, जिसमें मैं क्या लगा देता हूँ, माइम टाइप डिफाइन कर देता हूँ, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, इमेज स्लैश स्टैरिक, सही है। आई एम नॉट श्योर कि इमेज स्लैश स्टैरिक मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, सही, हाँ सही लिखा है। अच्छा, इमेज स्लैश स्टैरिक जो ये मैंने लिखा है ना, माइम टाइप, अब माइम टाइप आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चक्कर है क्या माइम टाइप का, फाइल माइम टाइप लिस्ट, ठीक है, मोज़िला के डॉक्यूमेंट्स में मैं आ गया और फाइल टाइप की ये लिस्ट है और उसकी माइम टाइप है। तो आप कॉमा सेपरेटेड जितनी भी माइम टाइप आप चाहते हैं सेलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में मैं फोटोज चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज लिखता हूँ ना, तो देखो स्लैश इमेज स्लैश BMP, उसके अलावा इमेज स्लैश GIF और इमेज स्लैश JPG, सही है। और मैंने लिखा है इमेज स्लैश स्टैरिक, तो वो इमेज सारी मुझे अलाउ कर रहा है, ठीक है, चाहे वो JPG हो चाहे वो PNG हो, मुझे सारी इमेजेस ये अलाउ कर रहा है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और मैं चूज़ फाइल का बटन दबाता हूँ, तो आप नोट करें JPG, SVG और JPEG जो भी इमेजेस वाली फाइल है, जैसे GIF भी है मेरे पास, तो वो सारी यहाँ पे अलाउ कर रहा है, बल्कि जबकि ZIP फाइल को ये अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने उस पर एक HTML5 की वैलिडेशन लगा दी। अच्छा, जैसा कि हम पहले भी ये देख चुके हैं कि HTML5 पे जो भी वैलिडेशन लगती है, जैसे कि रिक्वायर्ड या मिनिमम मैक्सिमम, है ना, तो ये सारी की सारी जो वैलिडेशंस होती हैं ये किस लिए होती हैं, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, ठीक है। इसको बाईपास किया जा सकता है, इसको बाईपास किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूँ, शो ऑप्शंस पे जाऊँ और मैं लिखूँ यहाँ पे ऑल फाइल्स, तो क्या होगा, फिर मैं ZIP फाइल को भी सेलेक्ट कर पाऊँगा, राइट। तो ये वाला जो है ना एक्सेप्ट का जो एट्रीब्यूट है, ये जस्ट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, कोई भी इस गुमान में ना रहे कि ये सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। तो हमने देखा है कि फ्रंट एंड के ऊपर जिस भी तरह की वैलिडेशन हम लगाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, वो सारा का सारा क्या होता है, वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है, ना कि सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सिक्योरिटी के लिए ये करता हूँ कि जब मेरी फाइल बैकएंड पे पहुँचती है, ठीक है, तो वहाँ अब फ्रंट एंड पे मैं एक वैलिडेशन और भी लगाऊंगा, फाइल की साइज़ का लिमिट लगाऊंगा कि फाइल का साइज़ क्या है, तो वो भी लेकिन क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होगा, उसको भी बाईपास किया जा सकता है। तो जब बैकएंड पे मैं जाऊँगा ना, तो इन दोनों चीज़ों को मैं दोबारा चेक करूँगा, नंबर एक क्या कि फ़ाइल का टाइप क्या है, कोई इमेज टाइप का ही है या कोई और तीसरी टाइप का है, ZIP वगैरह तो नहीं भेज दिया किसी ने, और दूसरा ये कि उस फाइल का साइज़ कितना है, ठीक है। हमेशा जब भी फाइल अपलोड होती है उसमें हम साइज़ की लिमिट लाजमी लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर है ना अगर, तो उसके 4-5 MB की लिमिट लगा देते हैं या 20 MB की लगा देंगे, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पे तो इवन मतलब 500 KB की लिमिट होती है, क्योंकि प्रोफाइल फोटो वगैरह तो 500 KB की लिमिट लगा देते हैं, लेकिन चलो हमारे पास क्या है कि वो पोस्ट है एक्चुअली, तो वो बैनर शैनर होगा, कोई हाई क्वालिटी इमेज होगी, तो हम 4-5 MB की, 10 MB की, कहीं ना कहीं लिमिट हमने ज़रूर लगानी है, ठीक है। वरना कोई आएगा 10 GB की फाइल अपलोड कर देगा और उसको वो आपके प्लेटफॉर्म को वो गूगल ड्राइव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होगा, मतलब आप ये मैं कर चुका हूँ बाय द वे, पहले फेसबुक को पहले मैं इमेज स्टोरेज के तौर पर यूज़ करता था, जब
आज से 10 साल पहले, तो और अभी भी बहुत सारी इमेजेस हज़ारों की तादाद में वो फेसबुक पे मेरी स्टोर्ड है। तो मैं क्या करता था, एक पोस्ट बनाया और उसके ऊपर 400-500 इमेजेस जो भी हैं उसको उठा के यूँ डाला, उस पोस्ट को ओनली मी किया प्राइवेट और पोस्ट कर दिया, अपलोड हो गई वो, तो वो पड़ी गई वहाँ पे आज तक। अच्छा, लेकिन फेसबुक ने बाद में क्या किया, बाद में ये किया कि उन तमाम फ़ोटोज़ की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, और अब वो इमेजेस अगर मैं खोलता हूँ तो बिल्कुल लो क्वालिटी उसको वो कर चुका है कन्वर्ट ना समाउ, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने लिमिट भी लगा दी है। अब उन्होंने लिमिट क्या लगाई है कि एक वक्त में आप 100 फोटो से ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते, पहले ये लिमिट नहीं थी उसके पास, पहले तो अनलिमिटेड था। और इवन ये भी कि अगर आप एक पोस्ट हो चुकी है उसी को एडिट करके आप उसमें मज़ीद फोटोज़ करें तो वो अलाउ कर देता था, लेकिन अब वो हर जगह पे उन्होंने वैलिडेशन लगा दी है, ठीक है। तो अब तो मैंने तो चलो फोटो स्टोरेज के तौर पे उसको यूज़ किया क्योंकि वो फ़ोटो अलाउ करता था, लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने अगर उस पर चेक नहीं लगाया वैलिडेशन का, मिसाल के तौर पे आपने अगर उस पर ये वैलिडेशन नहीं लगाई कि फ़ाइल का साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो, जो कि फेसबुक ने लगाया हुआ है, उस वक्त भी लगाया हुआ था, अभी भी लगाया हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये करूँगा कि .jpg है ना, .jpg होता है ना फाइल, तो मैं क्या करूँगा, मेरे 10 GB का 15 GB का जो भी zip फाइल है मेरी, उसका एक्सटेंशन मैं चेंज करके .jpg कर दूँगा और उसको मैं अपलोड कर दूँगा, वो 10 GB अपलोड हो गया मेरा, जब भी मुझे अगेन ज़रूरत होगी मैं उसको दोबारा डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि वो URL तो आ रहा होता है ना फ्रंट एंड पे, वो पिक्चर ब्रोकन शो हो रही होगी लेकिन डाउनलोड करके मैं जब उसका एक्सटेंशन चेंज करूँगा तो वो दोबारा zip फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से लिमिट तो लगाना खैर ज़रूरी है। तो अब ये सारी मैंने वल्नरेबिलिटीज़ जो बताई हैं इसको एक एक करके आप टैकल कर सकते हैं, अगेन ये सारी चीज़ें टैकल की जा सकती हैं। जी कोई सवाल कर रहा है? अच्छा वेल, तो चूज़ फाइल करके मैंने क्या कर दिया, इमेजेस यहाँ पे बता दिया इसको, और इमेजेस बताकर क्या करता हूँ अब मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इमेज सेलेक्ट करते ही यहाँ पे उसका नाम आ जाता है, हालांकि मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसका प्रीव्यू चाहिए, मुझे उसका प्रीव्यू चाहिए। तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पे कोड यहाँ पे GitHub में लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। आप चाहें तो इस कोड को इस तरह से, बल्कि लगा लेते हैं यार इसको हाथ के हाथ ना, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करूँगा, मैं इसको URL बना लूँगा और उसको मैं कहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँगा, इसी फॉर्म के अंदर ही कहीं ना कहीं, मे बी ये जो फाइल इनपुट है इसी के नीचे एक BR लगा के ना, मैं एक यहाँ पे क्या देता हूँ, IMG का एक टैग बना देता हूँ मैं, ठीक है। और उसको मैं बोलता हूँ कि यार SRC में ना, मैंने कहा भाई सेलेक्टेड इमेज, ठीक है, एक स्टेट है जो कि अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, ठीक है, सेलेक्टेड इमेज। तो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर फिर मुझे एक ऑन चेंज भी लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज के ऊपर एक फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा, सही है, और इस इवेंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, वो फाइल मिल जाएगी पूरी की पूरी ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है। कैसे होगा वो, लेट सेलेक्टेड इमेज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो पूरा इसने कोड ही लिख दिया, ठीक है, URL.createObjectURL यही था ना हमारे पास भी, हाँ createObjectURL, ठीक है, सजेशन की यार फ़ायदे हैं। और ये सेलेक्टेड इमेज एक्चुअली मुझे स्टेट में भेजना है ताकि यहाँ डिस्प्ले हो सके रियल टाइम में ना, तो इस नाम से एक स्टेट ज़रा बना लेते हैं, इस नाम से एक स्टेट बना लेते हैं, बम बम, मैंने कहा यार सेलेक्टेड इमेज, और मैंने कहा कि यार सेट सेलेक्टेड इमेज, सही है, सेट सेलेक्टेड इमेज बाय डिफॉल्ट इसको मैं रख देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ इसको मैं, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं और मैं बोलता हूँ कि यार सही है base64 URL, और मैं कह देता हूँ कि यार सेट सेलेक्टेड इमेज और base64 URL, ठीक है। इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल मैंने इसको दो लाइन में कर दिया, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसको डिस्प्ले इस तरह नहीं कराना होगा क्योंकि वो base64 से पहले भी ना कुछ मुझे लगाना होता है, अच्छा नहीं लगाना होता, चलो देखते हैं, अगर डिस्प्ले हो जाए ऐसे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो हम ना इसको प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, तो base64 से पहले ना base64 कॉलन और पता नहीं कुछ एक दो चीज़ लिखी होती है, तो वो उसको जो है ना मुझे देना होता है। अच्छा
अभी देखो इमेज ब्रोकन नज़र आ रही है क्योंकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके सोर्स में कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं चूज़ फाइल करता हूँ और चूज़ फाइल करके एक यहाँ से फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाती है, इमेज फ़ौरन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अच्छा इस इमेज के ऊपर मैं कुछ एट्रीब्यूट लगा देता हूँ कि यार इसकी जो विड्थ हो ना वो क्या हो जाए 400 पिक्सल हो इसकी विड्थ, ठीक है 400 पिक्सल इसकी विड्थ हो, तो ये इस तरह से मुझे इमेज यहाँ पे दिख जाती है। अब इस इमेज को ज़ाहिर है आप CSS लगा के ज़रा सही तरीके से आप डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। फिर इसमें ये जो चूज़ फाइल का बटन है, इस फाइल के बटन को भी आप क्या कर सकते हैं, CSS लगा के इसको गायब करवा सकते हैं और इसकी जगह पे कोई आइकन शो करवा सकते हैं आप कि उस आइकन के क्लिक पे ये बटन ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए, वो देख लीजिएगा इंटरनेट पे लोगों ने बताया हुआ है। तो जैसे ही मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ अब और यहाँ से मैं SVG एक कलेक्ट करता हूँ तो ये SVG आ जाती है, कोई दूसरी फ़ोटो में सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरी फ़ोटो आ जाती है, ठीक है। अब मैं ये पब्लिश पोस्ट का बटन दबाने पर मुझे क्या करवाना है, पब्लिश पोस्ट का बटन दबाने पर मुझे इस पूरी की पूरी चीज़ों को भेजना है, ठीक है। क्या किया मेरे पास आइटम है, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 फाइल, ये 3 चीज़ें टोटल मेरे पास हैं जो मैंने क्या करनी है यहाँ से रवाना करनी है, ठीक हो गया भाई। अच्छा आ जाते हैं अब आगे। अच्छा क्योंकि इस इनपुट से मैंने इमेज को उठाना है तो गेट एलिमेंट आईडी करके तो नहीं उठाऊंगा मैं, कैसे उठाऊंगा। अच्छा बाकी से मैं कैसे उठाता हूँ, जो ये टेक्स्ट एरिया है इससे तो मैं रेफ के ज़रिए उठाता हूँ। अच्छा इससे मैं एक और भी तरीका है जो दूसरा वाला क्या नाम है उसका स्टेट से भी उठा सकता हूँ, रेफ से भी उठा सकता हूँ, लेकिन फाइल में मुझे रेफ से ही उठाना पड़ेगा, स्टेट से नहीं उठा सकता मैं, ठीक है। रेफ इज़ द ओनली ऑप्शन, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ एक रेफ भी बना देता हूँ इसका, ठीक है। और रेफ क्या कर देता हूँ मैं इसका, रेफ इस नाम से बना देता हूँ फाइल इनपुट रेफ, ठीक है पोस्ट फाइल इनपुट रेफ, ऊपर इसी नाम से रेफ देख लेते हैं, ठीक है फाइल इनपुट रेफ, ठीक है ये रेफ बना दिया। ऑन चेंज पे तो मैंने डिस्प्ले करा दिया लेकिन जब सबमिट का बटन क्लिक हुआ ना फिर मुझे उसको उठवाना है। आ जाओ भैया नीचे। अच्छा ये ऑन सबमिट पे सर्च हैंडलर, अच्छा ये तो दूसरा है ना, ऑन सबमिट पे इसमें कौन सा फंक्शन है, इसमें सबमिट हैंडलर नाम है उसका, ठीक है। तो सबमिट हैंडलर के फंक्शन में अब हम चल देते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह से इसको हैंडल किया गया, ये रहा सबमिट हैंडलर। अच्छा सबमिट हैंडलर में सबसे पहले क्या किया गया, इस लोडिंग को ट्रू करवाया और इस लोडिंग को ट्रू करवाने के बाद एक्सियोस से एक रिक्वेस्ट भेज दिए यहाँ से, लेकिन अब मैं एक्सियोस वाली रिक्वेस्ट इस तरह से नहीं भेज सकता क्योंकि अब की बार मैं क्या भेज रहा हूँ, अब की बार मैं फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट मुझे भेजना पड़ेगा, जेसन वाली से काम नहीं चलेगा क्योंकि फाइल भी तो जानी है ना। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे कमेंट डाउन कर दूंगा और कमेंट डाउन करने के बाद मैं उसको बोलूँगा कि यार लेट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। और ये सजेशन में इसने माशाल्लाह पूरा लिख के भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो कुछ मैं यहाँ भेज रहा था ना करंट डॉट वैल्यू वो सारा इसने खुद से लिख दिया, वेल डन। और इसमें टेक्स्ट टाइटल और साथ में इमेज के नाम से इसको मैं भेज रहा हूँ अब की बार सर्वर पे, और ये सारा कुछ लिखने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट और बेस URL, ये क्या किया इसने आधा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बेस URL स्लैश API ऑब्वियसली, ठीक है स्लैश API स्लैश V1 स्लैश पोस्ट और उसके बाद बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा मैंने लिख दिया। अच्छा क्या मुझे ऑप्शन में भी कुछ देना है, क्योंकि सेकंड वाला जो वो ऑप्शन होता है, सही है कॉमा डालता हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन के अंदर मुझे कोई भी बात नहीं लिखनी, नहीं बल्कि लिखनी है यार, मुझे हेडर लेना है ना इस पर, हेडर किस तरह दिया था मैंने, हेडर मुझे देना है उसको, राइट ठीक है हेडर्स, और हेडर्स के अंदर जो भी बात है वो मैं ऑप्शन के अंदर जाके लिख देता हूँ, ठीक है। हेडर्स इक्वल्स ऐसे डबल डबल हो गया ये, ठीक हो गया जी। मैंने पहले URL लिखा, उसके बाद बॉडी लिखा और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग लिख दिया इसका। यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा तो ये मुझे बता भी रहा होता है कि कौन सी वाली चीज़ क्या है, पहला वाला URL है, दूसरा वाला डेटा है जो कि फॉर्म डेटा है, और तीसरा वाला या तो अनडिफाइन हो सकता है या तो कॉन्फ़िग हो सकता है, तो मैंने कॉन्फ़िग लिख दिया, ठीक है। इसको इस तरह भी भेजा जा सकता है और बिल्कुल रॉ फॉर्म में, जैसे ये रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एक्सियोस डॉट पोस्ट नहीं है यहाँ पे, नोट कीजिएगा आप, एक्सियोस करके पूरा कॉन्फ़िग का ही
कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो दोनों तरीके से भेजना बिल्कुल सही है, इसमें कोई मजायका नहीं है, आप किसी भी तरीके से भेज दें उसको। अच्छा ये हो गया जी, और ये करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, जो ये बस सही है, रिस्पॉन्स हो गया, अवेट लग गया इस पर, दैट्स इट। आगे की तो चीज़ बिल्कुल सेम होगी ना, रिस्पॉन्स का जो डेटा यहाँ पे मुझे वापस मिलेगा सर्वर से, ये वो वाला डेटा है, तो सर्वर से वापस मिलने वाला डेटा उसको मैं चेंज नहीं कराऊंगा, उसको मैं वही रखूंगा। अच्छा अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे जाके मेरे सर्वर पे जो ये API बनी हुई थी इसको मुझे जाके मॉडिफाई करना होगा, और इस API को इस काबिल बनाना होगा कि वो फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके, क्योंकि अभी तो वो JSON के तौर पर ट्रीट होता है, तो बॉडी डॉट करके वो मिल रहा होता है उसको, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी ना बॉडी डॉट टाइटल, बॉडी डॉट टेक्स्ट और बॉडी डॉट इमेज करके इसी तरह मिल रहा होगा, लेकिन जस्ट अभी क्योंकि इमेज वहाँ पे हमने हैंडल नहीं किया हुआ, तो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ मुझे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे डॉक्यूमेंट में आते हैं, फ्रंट एंड का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं चलता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर, ठीक है। सर्वर के ऊपर क्या कुछ है ज़रा उसको देख लेते हैं। एक्सप्रेस है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, बॉडी पार्सर लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में मल्टर करके एक चीज़ मौजूद है। मल्टर क्या चीज़ है, जब मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आता है मेरे पास सर्वर पे, तो उस मल्टर के ज़रिए मैं उसके मल्टी पार्ट को जोड़ के एक पार्ट बनाता हूँ, और उसको वापस जोड़ के मैं एक फ़ाइल की शक्ल दे के और फाइल सिस्टम के अंदर उसको मैं स्टोर करवाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसको फिर फाइल सिस्टम से उठा के फर्दर प्रोसेस के लिए कहीं ले जा सकूँ। अच्छा ये मल्टर है, ये मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, इतना पार्ट है, ठीक है, ये नीचे मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी की सारी। तो ये इतना पार्ट जो है ना, ये जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये ब्लॉक, ये इतना पार्ट जो है वो एक्चुअली आप समझ लें कि जो है ना बॉयलर प्लेट है, ठीक है। तो इतने को मैं एज इट इज़ पेस्ट मारूंगा। नीचे और देख लेते हैं क्या है। फायरबेस एडमिन का यहाँ पे मैंने एक सेटअप किया हुआ है। फायरबेस एडमिन का सेटअप मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि मुझे एक अदद स्टोरेज बकेट चाहिए इस इमेज को स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि मैं इस इमेज को MongoDB में स्टोर नहीं करवा सकता। MongoDB बहुत ही एक्सपेंसिव मीडियम है, अगर मैं चाहूँ तो मैं Base64 करके MongoDB में भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन MongoDB के डेटाबेस में मैं इसको स्टोर नहीं करवाऊंगा। अच्छा MongoDB की कुछ और भी सर्विसेज हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक उन्होंने ना कुछ इस तरह का स्टोरेज बकेट भी दिया हुआ है, ठीक है, एटलस स्टोरेज बकेट, तो अगर तो उन्होंने दिया हुआ है तो उसमें भी आप स्टोर करवा सकते हैं। अगर तो इन्होंने दिया हुआ है ना तो हम करवा सकते हैं। नहीं MongoDB में तो हम सेफ, अगर Base64 करके भी MongoDB में स्टोर करवा रहे हैं तो ये हम स्टोरेज मीडियम को ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज मीडियम एज कम्पेयर टू स्टोरेज बकेट, स्टोरेज मीडियम 1000 times ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मिसाल के तौर पे जो Firebase एडमिन अभी मैं सेटअप वहाँ पे लगाया हुआ मैंने, तो ये मुझे 5 GB की स्टोरेज फ्री देता है, तो स्टोरेज की मुझे 5 GB फ्री में मिलती है। MongoDB में कितनी GB फ्री मिलती है, 512 MB फ्री मिलती है। अच्छा फिर वो 5 GB से जब एक्सीड करता हूँ मैं स्टोरेज बकेट में, तो मुझे वो पता नहीं 5 सेंट चार्ज करता है पर GB, 5 सेंट चार्ज करता है, 5-10 सेंट पर पता नहीं 100 GB शायद, बहुत ही चीप होता है वो। ऑन अदर एंड अगर आप MongoDB का 512 MB एक्सीड कर गए तो इसका अगला पैकेज डायरेक्ट $100 का है शायद, वो देख लीजिएगा प्राइसिंग पर, वो डायरेक्ट $100 का है। तो वो कभी भी ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा कि अगर मैं डेटाबेस के अंदर इमेजेस स्टोर करवाना शुरू करूँगा, वो स्टोरेज का ज़्यादा होगा और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं ये क्योंकि एटलस तो देखो एक सर्विस है ना, जैसे गूगल क्लाउड है, अब गूगल क्लाउड में सर्वर भी होता है, डेटाबेस भी होता है, स्टोरेज बकेट भी होता है, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो मैं वही देख रहा था इन्होंने कि स्टोरेज के लिए कुछ नहीं दिया हुआ फिलहाल, क्लस्टर स्टोरेज नहीं, नहीं वो चीज़ नहीं है। वेल स्टोरेज बकेट अब देख लेते हैं ना, हम स्टोरेज बकेट कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। Base64 को बिल्कुल जहन से निकाल दो, दूर दूर तक आपने Base64 के बारे में सोचना भी नहीं है। भाई यार कहीं लिस्ट आ जाए ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस्ट स्टोरेज बकेट सही है, बेस्ट क्लाउड स्टोरेज बकेट, ये आ गया, किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें ये जितने भी स्टोरेज बकेट्स हैं ना उन सबका यहाँ पे, अब
पे ये, लेकिन क्लाउड वाला नहीं है तो कंज्यूमर ग्रेड का लिख दिया इसने सारा। टॉम्स गाइड, नॉट दैट। क्या बकवास है यार, कोई डेवलपर है ही नहीं क्या मार्केट में, कोई डेवलपर ही नहीं घूम रही है। सब गूगल ड्राइव से शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं है कहीं स्टोरेज बकेट में गलत लिख रहा हूँ वर्ड, मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज AWS S3, ये स्टोरेज बकेट ही बोलते हैं ना इसको, कुछ और तो नहीं बोलते कहीं। क्लाउड स्टोरेज, Amazon S3 is cloud storage, learn pricing. स्टोरेज सर्विस है, वेल चलो कोई लिस्ट नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, लिख तो मैं सही रहा था। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं सब लोग क्या करते हैं, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। Amazon सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है इस वक्त, वो जो प्रोवाइड करता है उसका नाम उन्होंने रखा है S3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गूगल है दूसरे नंबर पे, आई वुड से गूगल का जो है वो गूगल क्लाउड स्टोरेज या फायर बेस स्टोरेज, ये पीछे असल में दोनों एक ही चीज़ है, इसका नाम अलग अलग किया गया जैसे, ठीक है, पीछे इन दोनों के सेम चीज़ है। तो हम जो आज यूज़ करेंगे वो फायर बेस स्टोरेज करेंगे। फायर बेस स्टोरेज हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये बगैर क्रेडिट कार्ड के साइनअप करने पे आपको ये 5 GB का फ्री स्टोरेज ये दे देता है। AWS पे अदर एंड क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आपका एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो उसने भी जो है ना वो स्टोरेज का कुछ ना कुछ दिया हुआ है, उसका मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, है ब्लॉग स्टोरेज, अच्छा ब्लॉग स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ब्लॉग दोस्त ने नाम बताया। अच्छा, एज्योर स्टोरेज ही लिखा हुआ रहा है इसमें, सही है, एज्योर स्टोरेज ही आ रहा है इसमें, या मे बी वो ब्लॉब स्टोरेज हो। अच्छा, इसी तरह जो अलीबाबा एक है क्लाउड प्रोवाइडर, उन्होंने भी दिया हुआ है स्टोरेज। अच्छा, इस तरह थर्ड पार्टी भी बहुत सारे हैं, एक है क्लाउडनरी, सही है, एक क्लाउडनरी भी है, ये भी क्लाउड स्टोरेज है। अच्छा, लेकिन क्लाउडनरी जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है सिर्फ इमेजेस के लिए। ये कहते हैं कि आप हमारे स्टोरेज में ना सिर्फ इमेजेस स्टोर कर सकते हो और कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इन्होंने जब इमेजेस का बोला है ना तो इमेजेस में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं कि जो कोई और नहीं देता। मिसाल के तौर पर एक इमेज आप अपलोड करते हैं ना, उसको किसी भी साइज़ में मंगवाते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, ये खुद कन्वर्जन वगैरह कर देते हैं, उस इमेज का साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं ना कोई इमेज बंदे को भेजते हैं, तो क्या होता है कि क्वालिटी रिड्यूस होकर वहाँ पहुँचती है। तो ये सारा काम जो है ना क्लाउडनरी पे बड़े आराम से हो जाता है ना। मैं बोलता हूँ कि यार इस इमेज को अपलोड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, इसको 300 KB पर डाउन साइज कर देना है, तो कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे फीचर उन्होंने दिए हैं जो कि दूसरों ने नहीं दिए हैं। दूसरे पे अगर हम करते हैं तो वो मुझे या तो FFmpeg खुद करना पड़ता है उससे, उसको जैसे वीडियो अगर तो उसको थोड़ा रीसाइज वीसाइज करना पड़ता है हाथ से, ठीक है, उसके लिए लाइब्रेरी लेवल पे मुझे काम करना पड़ता है। तो क्लाउडनरी में क्या होता है कि क्लाउडनरी ऐसे तो आम स्टोरेज के मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और उसमें सिर्फ इमेजेस स्टोर होती हैं, लेकिन उसका अपसाइड क्या है कि उसमें वो छोटे मोटे मुझे फंक्शंस जो है ना क्रॉप के और रीसाइजिंग के, और अगर जैसे पिछले दिन हम क्या करते थे कि इमेज को सर्कल करके दिखाते थे, तो वो क्या करता है कि अगर प्रोफाइल पिक्चर किसी ने अपलोड की है तो वो अपलोड तो हो गई, मैं जब उसको मंगवाता हूँ ना डिस्प्ले कराने के लिए तो URL के अंदर ही मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ सर्कल और 300x300, तो मुझे उसका फेस डिटेक्ट करके उस फोटो में और उसके फेस के अराउंड वो सर्कल काट के इमेज ला के मुझे देता है, तो इतना काम वो कर देता है, सही है। तो सही है, बहुत अच्छा आइटम है। लेकिन हम क्लाउडनरी को अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, फायर बेस स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फायर बेस स्टोरेज। आ जाओ भाई, गुड कॉन्सोल,
अच्छा जी, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई क्लाउड स्टोरेज की। अच्छा, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन में डिग डीप फिलहाल नहीं कर पाएंगे, शायद टाइम की कमी की वजह से। ऑलरेडी आपकी 9 बजे ख़त्म होती है क्लास, 9:30 हो गए सम रीजंस की वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सोल पे डायरेक्ट, क्या हो गया कॉन्सोल पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, व्हाई इज़ दैट, कॉन्सोल पे क्लिक ही नहीं हो रहा, अलग से लिख लेते हैं कॉन्सोल फायरबेस, ठीक है, console.firebase.google.com। तो ये मैं कॉन्सोल पे चला गया और यहाँ पे SMIT B9 के नाम से मैंने एक बहुत पहले एक ऐप बनाई थी, होस्टिंग शायद मैं सिखा रहा था आप लोगों को उस वक्त बनाई थी। तो इसी ऐप के अंदर जिसमें मैंने आपको होस्टिंग सिखाई थी लास्ट, इसी ऐप के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बिल्ड में जाता हूँ और बिल्ड में जाने के बाद स्टोरेज में चला जाता हूँ। ठीक है, स्टोरेज में चला गया, गेट स्टार्टेड का बटन दबाता हूँ मैं और मैं कहता हूँ कि यार स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड। ठीक है, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड कर दिया मैंने और एक फिक्स सर्वर आ रहा है फ्री में, उसको नेक्स्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, क्या बातें हो रही हैं आपस में, एक तो यहाँ पे माइक अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो मुझे वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वो हो जाओ, इधर मुतवज्जा हो जाओ।